तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोट ईयरडॉप्स 191G ट्रू वायरलेस ईयरबड्स के बारे में। इसकी स्पेसिफिकेशंस, पूरे फीचर्स क्या क्या इसमें मिलते हैं, ऑल्सो इसमें आपको ईयरबड्स पे टच फंक्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, वो टच फंक्शंस आपको वर्क कैसे करते हैं, आप टच फंक्शंस को कैसे क्या यूज कर सकते हो, वो सब कुछ आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो अगर आप इस ईयरबड्स को परचेस कर लिए हो, खरीद लिए हो या खरीदने वाले हो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। सो इस वीडियो में आगे बढ़ने इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल कर दो सब्सक्राइब एंड वीडियो कर दो लाइक। सो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। हम सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में, इसमें क्या क्या आपको फीचर्स देखने के लिए मिल जाता है। सो सबसे पहले बात करते हैं, इसमें आपको 6mm का डुअल ड्राइवर्स देखने के लिए मिल जाता है। ऑल्सो बात करते हो वेक एंड पेयर का टेक्नोलॉजी फीचर जो है इसमें देखने के लिए मिल जाता है। जैसे ही आप केस को ओपन करोगे वैसे ही जो दोनों ईयरबड्स आपके एक्टिवेट हो जाएंगे, ऑन हो जाएंगे। वहीं बात करते हो अप टू 30 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल जाता है, 30 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाता है दोनों ईयरबड्स एंड केस को मिला के। वहीं बात करें तो 30 से 45 घंटे में जो है ये फुल चार्ज हो जाता है। वहीं बात करें तो क्वाड माइक्स इसमें आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसके जरिए आप क्लियर वॉइस सुन, आगे वाले आपके क्लियर वॉइस सुन पाएंगे, क्लियर वॉइस आप रिकॉर्ड कर पाओगे। ऑल्सो इसमें नॉइस कैंसलेशन का अच्छा जो है फीचर आपको देखने के लिए मिल जाता है। आगे बात करें तो इसमें आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.2 का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, एंड इसके जरिए जो है आपको ब्लूटूथ में जो है कहीं कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। वहीं आगे बात करें तो वन टच वॉइस असिस्टेंट देखने के लिए मिल जाता है। जैसा कि मैंने बताया ईयरबड्स जो है टच वाले हैं, तो आपको इसमें वन टच वॉइस असिस्टेंट का जो है सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, जो कि गूगल एंड सीरी दोनों ही सपोर्ट करता है। बात करें तो 65 ms का लो लेटेंसी देखने के लिए मिल जाता है, जो कि गेमिंग में साउंड का लैगिंग वगैरह में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। ऑल्सो बात करें तो IPX5 का वाटर रेसिस्टेंट रेटिंग देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही बात करें तो टाइप सी चार्जिंग देखने के लिए मिल जाता है विथ हाई स्पीड चार्जिंग। वहीं बात करें बॉक्स में क्या मिलता है आपको, तो एक ईयरडॉप्स देखने के लिए मिल जाता है, यूजर मैनुअल, वारंटी कार्ड एंड एडिशनल ईयरबड्स देखने के लिए मिल जाते हैं। साथ ही बात करो तो चार्जिंग केबल जो है आपको इस बॉक्स में देखने के लिए, इसके बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। बात करते हैं इसमें टू कलर ऑप्शन अवेलेबल है, एक रेड कलर है एंड एक वाइट कलर है। बात करें तो 10 जून 2022 को ये ईयरडॉप्स 191G जो है लॉन्च हुआ है। अब बात करें इसकी टच फीचर्स कैसे वर्क करते हैं, जो आप टच फीचर्स को कैसे आप यूज में ले सकते हो। तो अगर आप किसी भी ईयरबड्स पे एक बार टच करते हो तो आप म्यूजिक को प्ले या पॉज कर सकते हो। अगर आप लॉन्ग टच करके रखते हो राइट ईयरबड्स पे, तो आप जो है बीस्ट मोड एक्टिवेट कर सकते हो, जो कि गेमिंग करने के लिए ये मोड बनाया गया है। एंड वापिस अगर आप लॉन्ग टच करके रखोगे राइट ईयरबड्स को, देन जो है ये नॉर्मल मोड में आ जाएगा। साथ ही बात करें अगर आप डबल टैप करते हो राइट ईयरबड्स पे, तो आप सॉन्ग को नेक्स्ट कर पाओगे, एंड अगर आप डबल टैप करते हो लेफ्ट ईयरबड्स पे, देन जो है आप प्रीवियस सॉन्ग पे जा सकते हो, पिछले सॉन्ग पे जा सकते हो। वहीं बात करें तो लॉन्ग प्रेस करके रखते हो अगर लेफ्ट ईयरबड्स को, देन जो है आप वॉइस असिस्टेंट एक्टिवेट कर सकते हो। एंड वहीं बात करें तो किसी भी आप ईयरबड्स पे अगर आप सिंगल टैप करते हो तो आप कॉल को रिसीव कर पाओगे। वहीं बात करें तो आप किसी भी ईयरबड्स पे डबल टैप करते हो, देन जो है आप कॉल को रिजेक्ट या हैंग अप कर सकते हो। बात करें तो इसकी लॉन्च प्राइस है इसका 1499 रुपये, और ये इजिली अमेजोन पे अवेलेबल है, बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से क्लिक करके इजिली खरीद सकते हो, परचेस कर सकते हो। एंड इस प्राइस रेंज में देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है, वैल्यू फॉर मनी है। एंड ये रहे कुछ फीचर्स एंड इसकी स्पेसिफिकेशंस बोट ईयरडॉप्स 191G की। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद।